नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। जनपद इटावा के चक्करनगर में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते लायनमैन की मौत। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते लायनमैन अवध बिहारी की करंट लगने से घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मृतक परिवार को समझा बुझा कर सबका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौरतल हो कि प्रत्येक वर्ष विद्युत विभाग की लापरवाही से जान चली जाती है और संबंधित विभाग का मुआवजा केवल आश्वासन के कफन में समेट कर रह जाता है। मृतक के भतीजे रामचंद्र यादव के आधार पर दी गई तहरीर में उल्लेख हुआ है कि लाइनमैन अवध बिहारी यादव निवासी सगरा लाइनमैन की पोस्ट पर तैनात थे। दिन के लगभग 10 बजे वर्तमान केंद्र प्रभारी सुंदर सिंह से शटडाउन लेकर नंगला जोहर पप्पू सिंह पूर्व प्रधान के यहाँ निजी टेबल का तार जोड़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन विभागीय घोर लापरवाही के चलते संबंधित किसी कर्मी द्वारा शटडाउन के बावजूद लाइन चढ़ा दी गई, जिससे 11,000 लाइन से उक्त कर्मी झुलस गया और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर बलराज साई अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक मृतक के परिजन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए। बिगड़ते हालात को देखकर समूचे सर्किल की पुलिस भी पहुंच गई और कुछ ही समय बाद क्षेत्र में साफ स्वच्छ छवि रखने वाले IAS उप जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक परिजनों को समझाने का प्रयास उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी था कि CO भर्तना ने आकर मानो जले में नमक छिड़कने का कार्य कर दिया। प्रेशर से सबको कब्जे में लेने की बात करने लगे। इतने में वहां उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोग भड़क गए, लेकिन मौके पर मौजूद तेज अनुभवी इंस्पेक्टर बलराज साई ने SDM के परामर्श से अपने बलबूते पर मृतक परिजनों सहित 31 सैकड़ों की संख्या में भी को डील किया। मृतक परिजनों की मांग पूछते हुए प्रत्येक पहलू पर तैयार हो गए और संबंधित ग्राम प्रधान राजेश यादव के सहयोग के बाद पंचनामा भरा गया और डेड बॉडी को थाने परिसर लाया गया। नरेंद्र जी की एक दुर्घटना हुई है बिजली से, जो क्या मामला था पूरा मामला? ये बिजली विभाग की लापरवाही है जी। अच्छा, उन्हीं के कर्मचारी? हाँ, जिससे करंट लग गया। अच्छा, कौन था ये? बिहारी। क्या पोस्ट, क्या पद? लाइन में चकरनगर। कहाँ पे थे? चकरनगर। किस गांव के रहने वाले? सगरा। तो ये घटना कहाँ पे हुई? सरकारी टेम्पो नंबर जी नंगला जोड़। सूचना आई थी तो हमने मौके पे देखा तो वहाँ पे एक लाइनमैन उनकी मौत हो गई। अभी परिवार वालों ने तहरीर दी है तो उन्होंने परिवार वालों का कहना है कि ये विभाग की लापरवाही से मौत हुई। सर, इससे पहले भी एक नौगवा में ऐसी दुर्घटना हुई थी, उस पर क्या हुआ था अभी तक कोई? उस पर जो नौगवा पे हुई थी वो किसी प्राइवेट आदमी का था, वो थे वो विभाग के नहीं थे, लेकिन किसी का जो विभाग का आदमी था उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो मुआवजा था वो अभी फाइनल स्टेज पे है, वो जल्द ही मिलेगा। इसमें मृतक के परिजनों को क्या लाभ मिलेगा? अभी बिजली विभाग से बता दिया गया, वो बिजली विभाग की तरफ से मिलेगा। तो सर मुकदमा लिख रहा है? मुकदमा लिख रहा है। विभाग के खिलाफ पहली में बता रहे हैं किसके खिलाफ? पहली दी गई है, हाल ही में अभी कार्रवाई चल रही है।